नमस्कार दोस्तों फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर वन में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज फैमिली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फैमिली एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ फैमिली मतलब फैमिली का मतलब क्या है फैमिली को हम लोग कहते हैं परिवार आप ये जानते हैं मैं भी जानता हूं लेकिन हमें एग्जाम में क्या लिखना है इससे हमें शुरुआत करनी है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली सो फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ह्यूमन ग्रुप फैमिली इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज यूनिट इन द सोसाइटी द वर्ड फैमिली इज डिराइव फ्रॉम द रोमन वर्ड फैमुलस, इसे आप नोट डाउन कर लेना फैमिली कौन से वर्ड से डिराइव किया है सो इट इज डिराइव फ्रॉम द रोमन वर्ड फैमुलस, फेम्यूलस इन रोमन मीन्स सर्वेंट इन दो चीजों के ऊपर आपको एक एमसीक्यू निकल आ सकता है This is because in ancient Rome, family inclu included servants as well as relatives by common family or marriage. Family is a universal social institution which typically consists of a married man, his wife, and children. Hence, family is a system of relationship existing between the parents and children. फैमिली का डेफिनेशन है आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना और बाकी सारी चीजें आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं तो अगर आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट आया तो आपको एक तो इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद में इन चीजों को लिखकर आप एक पेज का आंसर सफिशियंटली बना सकते हैं फैमिली का डेफिनेशन आप ध्यान से देखना रोमन वर्ड फेम्युलस और सर्वेंट इन चीजों को ध्यान में रखना अभी हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ फैमिली फॉलोइंग आर द ऑफ फैमिली इज यूनिवर्सल हर जगह पे होती है परमानेंट एंड हैबिटेट एक जगह पर वो रहते हैं मतलब रिसाइडिंग करते हैं एस्टेब्लिशमेंट बाय बर्थ एडॉप्शन और मैरिज आप फैमिली के अंदर पैदा हो सकते हैं फैमिली के किसी और फैमिली आपको अडॉप्ट कर सकती है या फिर किसी और फैमिली में आपका रिश्ता हो सकता है सिर्फ इन्हीं तीन चीजों से फैमिली बनती है फैमिली इज लिमिटेड इन साइज फैमिली इज अ क्लोज ग्रुप फैमिली नेम ऑब्लिक सर नेम इज इनहेरिटेड मतलब अगर आप किसी परिवार में पैदा हुए तो उनका नाम आपको बाई डिफॉल्ट अटैच हो जाता है मेंबर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ईच अदर आपके परिवार में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो आपके पिताजी उनके भाई एक दूसरे को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये नॉर्मल फीचर है फैमिली का मेंबर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल इकोनॉमिक असिस्टेंस टू इच अदर माफ कीजिए ये रिपीट हुआ है मेंबर्स टेक केयर ऑफ बेसिक नीड ऑफ देयर चिल्ड्रन प्रोवाइड्स एजुकेशन टू चिल्ड्रन प्रोवाइड इमोशनल केयर एंड फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी यहां पर यूनिवर्सल परमानेंट एंड फिक्स्ड हैबिटेट एस्टेब्लिशमेंट बाय बर्थ अडॉपशन एंड मैरिज ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बाद में इमोशनल केयर एंड सिक्योरिटी और एजुकेशन ये पांच इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां का इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली सो टाइप्स ऑफ फैमिली देर आर प्रीडोमेंटली फोर टाइप्स और उनके सब टाइप्स है सबसे पहले तो है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियज लीनियच का मतलब है कि फैमिली ट्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बेसिस के ऊपर सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है और इसके दो टाइप्स है पेट्रिलीनियल एंड मेट्रिलीनियल पेट्रिलीनियल फैमिली में क्या होता है जो फैमिली ट्री होता है एक इंसान का वो मेल ब्लड लाइन से कैलकुलेट किया जाता है आपको ये थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मेल ब्लड लाइन का मतलब क्या है हमारा जो फैमिली ट्री होता है हम उसमें सिर्फ मेल लोगों को या फिर मेल लीगल हायर्स को गिनते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं पैट्रिलिनियल फैमिली इसका सबसे आसान एग्जांपल आप सभी की चाहिए थी हैरी पॉटर इसमें आपने देखा होगा कि पांचवें पार्ट में जब हैरी पॉटर सीरियस ब्लैक के घर पे जाता है तो ब्लैक फैमिली का फैमिली ट्री वो देखता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रिलीनियल फैमिली सिर्फ मेल मेंबर्स के नाम है और उसमें एक छोटे से ब्रैकेट में फीमेल मेंबर्स के नाम लिखे हैं सो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेल ब्लड लाइन और ठीक इसका अपोजिट है मैट्रिलिनियल फैमिली इसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना द गारो ट्राइब इन मेघालय फैमिली लॉ में सिर्फ दो ट्राइब इंपॉर्टेंट है गारो ट्राइब और तोडा ट्राइब ये दोनों ट्राइब्स मेघालय के अंदर ही है और दोनों मैट्रियार्कर या फिर मैट्रिलिनियल टाइप के ही है तो अगर आपको कोई फीमेल सेंट्रिक आंसर लिखना है तो गारो ट्राइब और तोड़ी ट्राइब इन दोनों का एग्जाम्पल आप जरूर देना दे आर फ्रॉम मेघालय इसके बाद में द सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी फैमिली इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रियार्कर फैमिली एंड मैट्रिया फैमिली अथॉरिटी मतलब बेसिकली घर के अंदर किसकी चलती है ये मैंने आपको हिंदी में समझाया है घर के अंदर अधिकार और प्रॉपर्टी मैनेज करने के जो बाकी अधिकार है वो किसके पास है सो इन द पैट्रियार्कर फैमिली द मेन राइट्स एंड अथॉरिटी आर वेस्टेड इन देंड्स ऑफ मेल मेंबर्स एंड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट इन द मैट्रीआरकर फैमिली द फीमेल मेंबर्स हैव द अथॉरिटी इन द फैमिली प्रॉपर्टी इज मैनेज बाय द फीमेल मेंबर्स इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पितृसत्ताक परिवार और मातृसत्ताक परिवार इसके बाद में थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यहां पर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है कि शादी के बाद कौन घर छोड़ के जाता है इसके बेसिस के ऊपर तीसरा टाइप है पैट्रीलोकल फैमिली एंड मैट्रीलोकल फैमिली पैट्रीलोकल फैमिली हमारे इंडिया में प्रीवेलेंट है शादी के बाद में बहु घर पे आती है और मैट्रीलोकल फैमिली में आपने बॉलीवुड फिल्म में देखा होगा कि घर जमाई बनते हैं मतलब दूल्हा घर पे आता है इसे हम लोग कहेंगे मैट्रीलोकल फैमिली का एग्जाम्पल इसके बाद में चौथा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगल यूनिट आपने कॉन्जुगल यूनिट से घबराना नहीं है कॉन्जुगल यूनिट का मतलब है फैमिली के अंदर कितने लोग हैं बेसिकली हाउ मेनी पीपल ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ अ फैमिली इसे फैमिली लॉ में कॉन्जुगल यूनिट कहा जाता है इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है कि कॉन्जुगल यूनिट का मतलब बताइए तो हाउ मेनी मेंबर्स इन अ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगल सबसे पहले तो न्यूक्लियर फैमिली ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की प्रीडोमेंट रेट मानी जाती है न्यूक्लियर फैमिली मतलब बेसिकली हम दो हमारे दो माता पिता उनका एक बेटा या फिर बेटी या फिर दोनों इसके बाद में आता है एक्सटेंडेड फैमिली मतलब ऊपर के सभी और उनके बूढ़े माँ बाप इसके बाद में जॉइंट फैमिली यानी ऊपर के सभी और उनके अंकल्स आंटीज उनके बच्चे उनका परिवार इसे हम लोग कहेंगे जॉइंट फैमिली आपको इसे अपने ओन वर्ड्स में डेवलप करना है मैंने यहां पर सिर्फ आपको की वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं इसके बाद में कंपोजिट फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फैमिली लॉ के अंदर दूसरा नाम है कंपोजिट फैमिली सो ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगल यूनिट फैमिलीज आर क्लासिफाइड इन टू फोर मोर टाइप्स न्यूक्लियर फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली ज्वाइंट फैमिली एंड कंपोजिट फैमिली अगर आपने इतना लिख दिया तो आपने व्हाट इज फैमिली फीचर्स एंड टाइप्स ये आंसर सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल